सुंदर, अति सुंदर। आज के शुभ अवसर पर आपकी कला के लिए भेंट स्वीकारिए। आइए संगीत वादक, स्वामी आप एक व्यक्ति को भूल रहे हो। कौन देवी? जो आपको और लक्ष्मण को अपने दिल में बसाया है, अशोक वाटिका में जिसने आपके अंगूठे में मुझे अपने दर्शन करवाए, लंकापति के युद्ध के दरमियान लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए। पवन पुत्र हनुमान की बात कर रही हो? हाँ देव, उनको उपहार देकर उनका आदर कीजिए। किंतु देवी, पवन पुत्र का यह उपकार उनकी सेवा उपहार से भी बढ़ के। सीते, क्या ये उपहार स्वीकारेंगे? क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, तो अवश्य दीजिए, आपके हाथ से ही दीजिए। पवन पुत्र, लो ये हार स्वीकार करके हमें धन्य कर दो। आपकी बहुत बहुत कृपा माता श्री। मुझे खुशी होगी, ये स्वीकारो। आपकी सेवा करके मैं धन्य हो गया। पवन पुत्र, उपहार पसंद नहीं आया क्या? हे माता श्री, ये तो इसके टुकड़े करके आप इसमें क्या देख रहे हो? नाम, प्रभु का नाम। इतने मोती में मेरे स्वामी का नाम एक भी मोती में नहीं मिला। फिर ये मोती मेरे किस काम का जिसमें मेरे प्रभु का नाम नहीं? इन मोती का मेरे लिए कोई कीमत नहीं। पवन पुत्र, आप प्रभु के परम भक्त हो, आपके हृदय में प्रभु की मूर्ति तो होगी। प्रभु की कृपा है। माला के टुकड़े करके उसमें प्रभु की मूर्ति है कि नहीं उसकी जांच तो कर ली, पर आपके हृदय में मूर्ति है कि नहीं उसकी जांच कौन करेगा? क्या ये आप साबित कर सकोगे? देवी, सत्य भक्त कपट नहीं कर सकता। माँ, आज मैं दिखाता हूँ। प्रभु राम, आपकी अनुमति चाहिए। जय श्री राम। जी, मुझे कहाँ? हाँ जी, यहाँ लड़कियों के स्नान करने की जगह पर प्रभु का स्मरण करने बैठे हो। असत्य वचनम, सत्य वचनम। क्षमा करो देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ। क्या कहा? हाँ, अनभिज्ञ। हाँ, इतने बड़े होकर फिर भी स्त्री पुरुष के बारे में असत्य वचन हो? असत्य वचन हो, असत्य वचन। नहीं नहीं देवी, इस भूमि का, इस भूमि से मैं अनजान हूँ। इस जूने गांव में मेरा आश्रम है, पहली बार बाहर निकला हूँ आश्रम से। ओ, तो मैं मूर्खी हूँ कि इस अनजान इंसान को अपना समझा। आपका मन दुखी हुआ ना? क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, मुझे क्षमा करो। हाथ मत लगाओ देवी, हाथ मत लगाओ। क्षमा करो देवी। देवी क्यों कह रहे हो? मेरा नाम वसुंधरा है। देवी देवी, आप वसुंधरा, भूधरा, गंगाधरा, यशोधरा के विश्व की कोई भी धारा हो, भले ही आप कादंबरी भी हो, परंतु आपका ये जो अंग गीला है वस्त्रों को। तो क्या हुआ? मुझे सर्दी नहीं लगेगी? असत्य वचनम, असत्य वचनम। हाँ, परंतु देवी,
इस तरह से मेरे समीप मत खड़े रहिए। मेरा मन विचलित हो रहा है, आप कृपा करके यहाँ से जाइए 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 फटाफट। पर किस लिए? मैं ब्रह्मचारी हूँ और हमारे मन स्त्री दर्शन के स्त्री स्पर्श वर्जित है। कोई वजह? स्त्री नाम प्रभु शरण में बाधा है। ओ, मतलब इसका अर्थ ये, आपका जन्म तो आपके पिता ने ही किया होगा ना? असत्य वचनम। आप जैसी सुंदर नव युवतियों को ऐसे शब्द नहीं अच्छे लगते देवी। और आपके जैसे साधु पुरुषों को भी ये अच्छा नहीं लगता वत्स। प्रभु के नाम पे स्त्री जाति को धुतकारते हो? मुझे बताओ तो कि आपके कौन से भगवान कुवारे हैं? प्रभु प्रभु प्रभु, असत्य वचन। आपके पादुका स्त्री जात की नहीं है, आपकी ये माला, आपकी आँखें और आपका ये जनेई। नहीं, मुझे छूना मत देवी, मुझे छूना मत। हे प्रभु, इस स्पर्श के पाप से मुक्त होने के लिए मुझे फिर से स्नान करना होगा। गंगा स्नानम श्री गंगे हरर गंगे हरर गंगे हरर गंगे हरर गंगे हरर गंगे। सत्य वचनम, तो मुझे स्पर्श कर लो मन भर के और जीवन भर पानी में पड़े रहो। असत्य वचनम देवी, आप यहाँ से जाइए जाइए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, पर मैं हर दिन यहाँ पे स्नान करने आती हूँ। आओगे ना? आना। आती हूँ। मामा, उर्मिला माँ आ गई। वसु, जरा देखो ना, ये अंगूठी कैसे लग रही है। ये सब बाद में, पहले मेरी बात तो सुनो। क्या है? हाँ, तो तुम्हें इस बात की जानकारी अपने माता पिता को देनी चाहिए। तू जहाँ सुमित्रा माता के पास। माता, सुमित्रा माँ। क्या तुम सच कह रही हो वसु? हाँ हाँ। माता कैकेयी और कौशल्या को बताया? ना। तुम जाओ वहाँ, मैं जा रही हूँ। हाँ। तो आप सभी इस बात की जानकारी देने आए हो? माता कौशल्या को इस बात की जानकारी दी कि नहीं? नहीं। तो इस बात की जानकारी मैं उन्हें दूंगी। चलो। क्या बात है, आज आप दोनों साथ में? कुछ अघटित अमंगल बात हुई है? अरे नहीं नहीं। तो नहीं राजमाता, वो तो अब तुम रहने दो, मैं बताती हूँ। और उसने ये बात मुझसे छुपा कर रखी। सीता बेटी, सीता सीता बेटी, माँ मुझे बुलाया होता, बात सुनने के बाद मुझे तुम्हारा इंतजार करने से रहा नहीं गया। कौन सी बात? यही कि जो मुझे मालविका ने कहा जी। ऐसी कौन सी बात कही कि माँ को यहाँ तक आना पड़ा? मैं आपकी दासी सीता माँ, दिन रात आपके साथ रहूं और मैं बात न जानूं, ये क्या बात हुई? बात सच है ना बेटी? तुम्हारे पैर भारी हुई है, ये बात सच है ना बेटी? हमारे इस सुने महल में, इस महल में वर्षों बाद इस आनंद का समय आ रहा है बेटी। अखंड सौभाग्यवती भव, चक्रवर्ती बेटों की माँ बनो। इस सुनहरे अवसर को हम धूमधाम से मनाएंगे, धूमधाम से। स्वामी, आपने सुना ना, हमारा राम आया, उनका राज्याभिषेक हुआ और अब आने वाले समय में हम दादा दादी बनेंगे। दादा दादी, मेरे इस अंधकारमय जीवन में सूरज उगने वाला है। स्वामी, इस महल की दीवारें अपना एक स्थान जिएगी। पुत्र का कठोर वनवास देखी है, पर आज का ये शुभ अवसर, उसका ये आनंद देख पाऊंगी। देवी उर्मिला, जो हमने सुना वो क्या सत्य है? सत्य है। मैंने क्या पूछा
ये जानने से पहले उत्तर दे दिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके फसली से बनी हूँ। आपके दिल की बात होठों पर आने से पहले मैं पहले से ही वो जान सकती हूँ। धन्य हो देवी, लेकिन इसके लिए और कितना वक्त बाकी है? ये संहार नहीं स्वामी, सर्जन है। जान लेना नहीं है, जान को जन्म देना है। कुल में दीपक जलाने की बात है, समय तो लगेगा ही, परंतु आप रामचंद्र जी को एक विनंती अवश्य करना। विनंती? क्या? सीता भाभी की गोद भराई की रस्म करने की, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करने की। मेरे मन में एक इच्छा हुई है। क्या सीते? वन विहार करने की, पशु पक्षियों का कल्लोल सुनने की। अच्छा सीते, मैं भाई लक्ष्मण से कह के थोड़े ही दिनों में इसका प्रबंध अवश्य करवा दूंगा। आप साथ में आएंगे ना? नहीं सीते, राज्य के कार्य में से घूमने का वक्त ही नहीं मिलेगा, किंतु आप जरूर जाते आए। जैसी आपकी इच्छा। वन में अकेला घूमना अच्छा नहीं लगेगा ना, लेकिन ये आपकी दूरी मुझे सताएगी। मैं जैसे राज कार्य में व्यस्त हूँ, वैसे ही थोड़े समय के बाद आप भी आने वाली संतानों में खो जाओगी। सत्य है प्रभु, किंतु एक बात मुझे ना समझ में आई। कौन सी बात? माता कौशल्या ने आज्ञा दी है, उर्मिला ने भाई लक्ष्मण के द्वारा बोला है कि मुझे आपकी सारी इच्छाएं पूरी करनी है, आपकी हर एक इच्छा को मान देना है। सिर्फ होने वाली माता का ही इच्छा पूरी करनी है और होने वाले पिता की नहीं। मुझसे जल रहे हो स्वामी। नहीं सीते, मेरी तो हर पल एक ही इच्छा है और वो रहेगी भी। कौन सी इच्छा है स्वामी? आपको सदैव अपनी आंखों के सामने देखता रहूं, मेरे हृदय के साथ में जुड़े रहना, दूर ना जाना। स्वामी, सदैव ऐसा ही प्रेम और लगाव जताते रहना, सबके भले ही होना, पर मुझे अपने आप से दूर मत करना।